राजस्थान के 12 छिपाबदौड़ उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के कस्बा मुख्यालय के अकलेरा रोड से ठीक पुराने हरनावदा शाहजी रोड पर होंडा मोटरसाइकिल शोरूम के पीछे और मेड़ा समाज की धर्मशाला के ठीक सामने बरसात का और नालियों का गंदा पानी सड़क पर इस कदर जमा हुआ कि इस बार इस सड़क से होकर निकलने में भी लोग कतराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इस सड़क रास्ते के अलावा और कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। कांग्रेस जिला महासचिव ब्रजराज मीणा ने बताया कि छिपाबदौड़ कस्बा मुख्यालय के अकलेरा रोड पुराने हरनावदा शाहजी रोड से होकर रोजाना हजारों लोगों का आवागमन लगा रहता है। उसके साथ ही इस सड़क से दर्जनों ग्राम पंचायतों के लोगों सहित अन्य कई जिलों और मध्य प्रदेश तक के राहगीरों का आना जाना लगा रहता है और इस सड़क से होकर उप तहसील हरनावदा मनोहर थाना से लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश के लोगों का कामखेड़ा बालाजी महाराज के दर्शन करने हेतु हजारों लाखों लोग इस सड़क पर जमा बरसात एवं नालियों के गंदे पानी में होकर बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। कामखेड़ा बालाजी महाराज के यहाँ बरसात में सावन माह में सड़कों पर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। उसके बाद भी यहाँ की जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं, जबकि इस सड़क पर जमा पानी में होकर ग्राम पंचायत की सरकार के वार्ड मेंबर से लेकर सरपंच, प्रधान, पूर्व एवं वर्तमान विधायक, मंत्री और सांसद तक इस सड़क से होकर गुजर चुके हैं, जिनको स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसकी लिखित में एवं पानी में रुकवाकर भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन इसकी किसी को आज तक जू तक नहीं रहेंगी है। ब्रजराज मीणा कांग्रेस जिला महासचिव 12 छिपाबदौड़ ने पूर्व में इसको लेकर कांग्रेस सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भाया को इसकी लिखित में समस्याओं से अवगत कराया गया। सर, यहाँ का विकास क्यों रुका हुआ है? पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे छिपाबदौड़ में विकास हो रहा है, लेकिन इकलेरा नाका से और ये जो लासी डैम को जोड़ने वाली जो सड़क है, यहाँ का विकास किस कारण से रुका हुआ है? मैंने पिछले दिनों में प्रमोद भाया जी को भी इसके बारे में लिख के दिया था कि लासी डैम तक, इकलेरा नाका से लासी डैम तक इसका निर्माण किया जाए और दोनों तरफ नालियाँ बनाई जाए ताकि सौंदर्यकरण हो और छिपाबदौड़ वासी इसमें एक इसको देखने जाएँ और अच्छा लगे सबको। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार में एक काम नहीं हो पा रहा है, मेरे को भी दुख होता है। लोग आते जाते मेरे से बोलते हैं, कहते हैं कि ये काम कैसे नहीं हो रहा, तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई मैंने बोल दिया है, कह दिया है, एक्शन साहब से भी मेरी बात हुई थी और ये काम जरूरी है। यहाँ हो करके लगभग रोजाना कितने वाहन, कितने गांव की पब्लिक यहाँ? 350 गाँव के लोग यहाँ निकलते हैं खामखेड़ा तक, मनोर थाना तक, और लोग कीचड़ में यहाँ हो जाते हैं, पेंट हो जाते हैं, उनके जूते हो जाते हैं, परेशानी तो बहुत है। यहाँ का ये विकास लगभग कितने समय पहले पूर्ण हुआ? इसका विकास तो कुल मिला के हुआ ही नहीं, ढंग से कोई काम किया नहीं अभी तक, क्योंकि काम होता तो यहाँ इतनी परेशानी नहीं होती। ब्रजराज मीणा, कांग्रेस जिला महासचिव, छिपाबदौड़ 12। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। शिकोहाबाद मानस सेवा समिति के तत्वावधान में 41वीं वार्षिक श्री राम कथा का शुभ आरंभ सोमवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। बैंड बाजों की धुन पर निकले भक्त जनों ने शहर की राहों को भक्तिमय कर दिया। श्री मानस सेवा समिति द्वारा मेला वाला बाग स्थित मानस भवन पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। 21 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन के तहत सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने कलश धारण किए। कलश यात्रा का शुभारंभ प्रभु श्री राम की आरती उतार कर किया। कलश यात्रा नगर स्थित रीठरा
बाली मंदिर से प्रारंभ होकर बड़ा बाजार, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक का चौराहा, नगर पालिका, नारायण तिराहा, रेलवे स्टेशन रोड, पालीवाल चौराहे होती हुई श्री मानस सेवा समिति सत्संग भवन मेला वाला बाग पहुंची। यहां भगवान श्री राम की आरती उतार कर प्रसाद वितरण किया गया। कलश यात्रा में मुख्य यजमान रामचरित्र मानस धारण किए हुए थे। मार्ग में जगह जगह पर कलश यात्रा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जलपान के रूप में जगह जगह जूस, दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक सहित कई अन्य खाद्य पदार्थ वितरण किए जा रहे थे। कलश यात्रा में राम प्रकाश गुप्ता, संजीव अग्रवाल लाला, संजीव अग्रवाल केशव गुप्ता, अमीन सुखवीर सिंह, रामशरण पाल, नंद किशोर अग्रवाल, संजय गुप्ता, राजवीर सिंह, नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशील यादव, अरुण गुप्ता, अतुल गारमेंट अतुल गुप्ता, नवीन अग्रवाल, कुलदीप गुप्ता, शेखर अग्रवाल, सीए वरुण सिंह, सोनी गंभीर, विकास, गगन कठेरिया, मोहित बंसल, सुशील जैन, विकास जैन आदि शामिल थे। अतुल गुप्ता ने बताया कि कथावाचक बरसाना धाम साध्वी जयप्रिया दीदी कथा का रसास्वाद अतुल गुप्ता ने बताया कि कथावाचक बरसाना धाम साध्वी जय श्री दीदी कथा का रसास्वादन कराएंगे। राम नाम सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, श्री मानस सेवा समिति बाबा द्वारा 41वीं श्री राम कथा का आज मंगल कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा डीठा वाले मंदिर से प्रारंभ होकर और मानस पीठ मेला वाले बाग पर इसका विश्राम हुआ। कलश यात्रा में आज लगभग 151 सौभाग की महिलाओं ने कलश में सम्मिलित हुई और कल यानी दिनांक 13 सितंबर से रोज 1 से 5 बजे तक नित्य कथा का कथावाचन भी होगा और कथावाचक सुश्री साध्वी जयप्रिया जी बरसाना धाम से पधारेंगी, जो कि हम सबके मत नित्य 1 से 5 कथा का रसास्वादन कराएंगी। मेरा समस्त भक्तजनों से, सभी संतजनों से, सभी धर्मप्रियों से ये विनम्र अनुरोध है कि वो नित्य कथा का श्रवण करें और तन मन धन से अपना श्री मानस सेवा समिति को सहयोग दें। सादर जय श्री राम। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। मध्य प्रदेश के भोपाल बेरसिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरिया कला में ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच, सचिव, सहायक सचिव पर लगाए फर्जी बाड़े का गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता शिव प्रसाद अहिरबार ने ग्राम पंचायत खजुरिया कला में हुआ भ्रष्टाचार की उचित जांच कराने की मांग भोपाल जिला कलेक्टर महोदय से की है। भोपाल राजधानी के जनपद पंचायत बेरसिया ब्लॉक में सन 2014 से सन 2022 तक सभी ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंच, सचिव, सहायक सचिवों पर एवं जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों, ग्रामवासियों के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायतों में हुए फर्जी बाड़े की उचित जांच कराकर जनहित में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार जमकर फल फूल रहा है, जिसके चलते सैकड़ों गरीबों को केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में संचालित सभी योजना के लाभ से वंचित हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक शिव प्रसाद अहिरवार ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि बैरसिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरिया कला में आज भी सैकड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, कूप निर्माण, मनरेगा योजना, जाप कार्ड में जमकर
सचिव सहायक सचिव के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। कौन है आप, कहां से हैं? सराजा से। अच्छा, क्या नाम है? सिंह नाम है। खजूरिया कला पंचायत। खजूरिया कला पंचायत। क्या हुआ आपकी कुटी का? मेरी कुटी, कई ने बोला 20,000 रूपए दे दो, कुटी दे दूंगा। तो मैंने कहा भाई साहब 20,000 नहीं, निकला तो दे दूंगा। मैंने निकला बगैर वहाँ से 20 तो नहीं, उन्होंने 40,000 काट ली। 20,000 रूपए और कुटी दे दी। जिसके नहीं तो लेटरिन बाथरूम दी ना कुछ दी। अच्छा, और जिसके बाद पता लगा मेरे पिताजी कुटी गोल हो गई। अच्छा, उनकी पैसे भी निकाल लिए? उसके पैसा निकाल लिया, बेच दे किसे, क्या हुआ उन्हें भी नहीं मिली। 20,000 मांगे आज 2 साल पहले, 20,000 दे दोगे तो कुटी दे दूंगा। अच्छा, आपने 20,000 रूपए ना देने पे उनने कुटी कागजों में निकाल ली, आपको नहीं मिली? वो तो उनने कुछ भी कर लिया, चोरी कर ली। जब 2 साल की कुटी चोरी हो गई, 20,000 कुटी कहीं भी बेच दी उनने किसी को। कुआ वाले कौन है? आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा नगर के समीप गणेशपुर गांव में नियमित रूप से बिजली ना मिलने पर देर रात्रि को सैकड़ों ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर गंज डुंडवारा के एटा रोड पर स्थित बिजली घर पहुँच गए, जहां उन्होंने बिजली घर का घेराव किया और बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं ग्रामीण अनुभव प्रताप सिंह ने बताया कि रोस्टर के नियम अनुसार हमें बिजली नहीं मिल रही। पहले हमारे गांव में बिजली सप्लाई के लिए अलग से 5 MVA का ट्रांसफार्मर था। हमें 10 से 12 घंटे लाइट मिलती थी, लेकिन बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने घूस लेकर उसमें 10 MVA का ट्रांसफार्मर जोड़ दिया, जिससे ओवरलोडिंग के कारण टिरपिंग हो रही है और 33,000 की लाइन में फॉल्ट हो रहे हैं, जिससे तार टूट कर गिर रहे हैं। बिजली कर्मियों ने गणेशपुर देहात की लाइट काट दी है और अन्य जगह लाइट चल रही है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहां इकट्ठा होकर आए हैं। अगर फीडर बंद किए जाए तो एक समान व्यवहार किया जाए, नहीं तो हमें भी लाइट दी जाए। जब हमने उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि 11,000 की लाइन में फॉल्ट होने की वजह से लाइट काट दी गई है। मेरा नाम अनुभव प्रताप सिंह है। आप यहाँ बिजली घर पर सब लोग इकट्ठे हुए, क्या है मामला, क्यों आए? मामला ये है कि पिछले 4 दिन से हम लोगों को एक्स्ट्रा रोस्टिंग जो शासन के द्वारा है उससे भी ज़्यादा रोस्टिंग की जा रही है। हर 2 घंटे के बाद कटिंग होती है, फिर दी जाती है लाइट, जबकि शासन का आदेश ये है कि देहात में भी लाइट 18 घंटे की सप्लाई दी जाएगी, टोटल 6 घंटे की रोस्टिंग की जाएगी, उसके बावजूद हम लोगों को मात्र 10 से 12 घंटे लाइट मिलती है। 4 दिन से हम लोग इस चीज़ों को झेल रहे थे, उसका रीज़न ये है कि उच्च अधिकारियों ने घूस लेकर के 5 MVA का ट्रांसफार्मर, जो हम लोगों के लिए चलता था, अलग से फीडर था हमारा, उसके साथ में 10 MVA का ट्रांसफार्मर जोड़ दिया गया, जो कि ओवरलोड के कारण ट्रिपिंग पे ट्रिपिंग हो रही है, 33,000 के तार पे तार टूट रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी है। आज मेरे साथ सभी ग्रामवासी, लगभग 200-300 लोग यहाँ पे हैं, साथ में मौजूदा प्रधान इस समय वसीम जी हैं हमारे साथ में। हम लोगों को जब आज केवल लाइट हम लोगों की काट दी गई, देहात वालों की, शहर पूरे चल रहे हैं, देहात और चल रहे हैं, लेकिन गणेशपुर फीडर नहीं चल रहा है, सिरपुड़ा फीडर। इसलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि अगर फीडर बंद किए जाए तो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए या हमको भी लाइट दी जाए। किस गाँव का मामला है ये? गणेशपुर गाँव का मामला है, हम लोग सभी लोग गणेशपुर गाँव से आए हुए हैं। आखिर ये जो है आपके क्या बताया आपने पूछा तो? जब हमको हमने उच्च अधिकारियों को फोन किया, MD ऑफिस में आगरा फोन किया, तो बताया गया कि यहाँ पर 11,000 की लाइट में फॉल्ट है, इस वजह से लाइन काटा गया है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा, बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद।
निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। राजस्थान के कोटा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर दो दिन से चल रहे पुजारियों के धरने प्रदर्शन में छिपाबदौड़ से वैष्णव वैरागी विकास सेवा समिति अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव ने पहुंचकर पीड़ित पुजारी परिवार से मिलकर उनके साथ हुई घटना की जानकारी ली और उनके साथ हुई घटना को लेकर शासन और प्रशासन से आरोपियों जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित पुजारी परिवार को वापस पूजा करने का अधिकार और मंदिर की जमीन लौटाई जाए। इस दौरान वैष्णव वैरागी विकास सेवा समिति छिपाबदौड़ अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रार्थी लवकुश बैरागी पुत्र सत्यनारायण जी बैरागी निवासी किशनपुरा तकिया थाना रेलवे कॉलोनी कोटा द्वारा श्रीमान के यहां पर कार्यवाही करने के लिए आग्रह करते हुए व कार्यवाही नहीं किए जाने पर दिनांक 12 सितंबर 2022 से श्रीमान के सामने अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मूलजी मान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से आज प्रार्थी मय परिवार सहित श्रीमान के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अवधि के लिए धरने पर सुबह 10 बजे से बैठ गया है, जिसका समर्थन वैष्णव ब्राह्मण सेवा संस्थान कोटा के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल वैष्णव एवं वैष्णव वैरागी विकास सेवा समिति छिपाबदौड़ अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव आदि करते हैं। मूलजी मान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थी व उसके परिवार की मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान किशनपुरा तकिया की सेवा पूजा में बाधा हो रही है। उक्त मंदिर की सेवा पूजा अर्चना से ही प्रार्थी व उसका परिवार का पालन पोषण होता आ रहा है। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र के बड़ा गांव में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भारत की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिमल सिंह यादव पहुंचे। उन्होंने बड़ा गांव के अलावा आसपास के गांव की समस्याओं के मुद्दे उठाए। सबसे पहला मुद्दा आवारा पशुओं का रहा, जो किसानों की फसल को नष्ट करते हैं। दूसरा मुद्दा गलत गाटा नंबर में होकर नाले की खुदाई को लेकर रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, किसानों के अधिकारों का हनन किसी प्रकार नहीं होने देंगे। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने भी संबोधन किया। ये जो किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है ग्राम कोटरा बड़े गांव कोटरा में, तो इसमें एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो नवाबगंज से जो बम्बा निकला हुआ है, उस बम्बा में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। सरकार की तरफ से हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं जिलाधिकारी महोदया से कि इसमें पानी छुड़वा के जिससे कि किसानों की फसलें सिंचित हो सकें और फसल सुरक्षित रहे और जो फसलें सूख रही हैं वो सूखने ना पाएँ, किसान को उसकी मेहनत का फल मिले। और इसके अलावा
घाटा संख्या 15/156 में नाला बना दिया गया है, जबकि नाला 161, 163, 55/62 में है वो गलत पैमाइश करके जो नाला मतलब जो है घाटा संख्या में दर्शाया गया है उसको चिन्हित करके सही घाटा संख्या में नाले को बनाया जाए, ये मेरा निवेदन है तहसीलदार महोदय सावर से। लखीमपुर खीरी विकास खंड बहजम की ग्राम पंचायत पहला में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाता सफाई कर्मी अनिल कुमार रस्तोगी, जो कि पिछले 8 वर्षों से एक ही पंचायत में तैनात है। सफाई व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल जीरो, हर ग्रामीण अपनी सफाई स्वयं करें सफाई कर्मी से कहने पर ग्रामीण जनों को जेल जाने तथा फर्जी तरीके से फंसाने की धमकी देना। सफाई कर्मी ग्रामीणों से यही कहता है कि हम प्रधान से लेकर अधिकारियों तक महीना देते हैं तो सफाई का काम उसी तरह से करेंगे जैसे हमारी मर्जी होगी। यह है ग्राम पंचायत पहला की स्वच्छता का हाल। आगे और भी विकास संबंधी कार्य हैं, उनकी क्या दशा होगी? ब्लॉक प्रशासन से लेकर जिले स्तर तक का प्रशासन मौन है। जब एक सफाई कर्मी पर कोई कार्यवाही नहीं है तो ग्राम पंचायत का भविष्य क्या होगा? हमारे ग्राम पहला में जो है मंदिर से सफाई मार्ग पर 3-3 महीने हो जाते हैं, झाड़ू कभी नहीं लगता है। अगर जो उनसे कहा जाता है सफाई कर्मी महोदय से झाड़ू लगाइए तो झाड़ू कहते हैं हम रोज लगाते हैं जो है, अब झाड़ू लगाते हैं ग्रामीण जो जो यहाँ रहते हैं जो है। आपने बड़ा बदतमीजी से बात करते हैं, आपने कहीं कार्रवाई करने की कहा? कार्रवाई सर हम कार्रवाई अभी नहीं किए हैं, लेकिन जैसे मान लिया झाड़ू भी नहीं लगाते हैं कभी कभी नहीं लगाते हैं, कार्रवाई अब करेंगे जो है। 3-3 महीने कार्रवाई झाड़ू नहीं रोड पर लगता। अच्छा अच्छा हाँ, हम इसका ठेका नहीं ले रखे हैं, अब हम ठेका नहीं लिया है, हम नहीं बढ़ाते, हमें हम उनको देते हैं पैसा, उनको देते हैं। ये अपने विद्यालय में जाते हैं या विद्यालय से फोटो बनवा लेते हैं और सड़क पर झाड़ू नहीं लगाते हैं। गंदगी तो काफी है यहाँ, गंदगी अरे है, बदबू सब देखो, कीड़ा मकोड़ा सब हो जाए, छुआ गिरीगा 4 दिन उठाई से ना, इतना बदतमीज है। ग्रामीण जनता जब कुछ कहती है तो उससे बदतमीजी की बातें करते हैं कि हमारा कर क्या, अपने आप लगा लो झाड़ू, अपने आप लगा लो झाड़ू। अच्छा अच्छा ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक है बेहजम, थाना है नीम गांव, ग्राम है पोस्ट पहला, जिला लखीमपुर, जिला लखीमपुर की मंदिर से सोसाइटी तक। तो वीडियो साहब से निवेदन है इनका जो है अनिल रस्तोगी जी का जो है कुछ उपचार करे भाई, या तो इनको ट्रांसफर करे। क्या नाम है इनका? अनिल रस्तोगी। अच्छा अच्छा झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं, बदतमीजी से आंट कर बात करते हैं सभी से। गर्मी राहत है बहुत बेजा, मौसम गर्म तो गर्म यही रहा। अच्छा अच्छा आई नागरिक जब कहते हैं इस पर झाड़ू नहीं लगा है तो कह रहे हैं कि ऐसा है क्या तुम झाड़ू लगाते हो अपने आप? अच्छा, ये उनका जवाब सवाल है पूछने पर। सरकार तुम्हें सफाई कर्मी रखे है, जनता थोड़ा मतलब, सही में जनता की तो सफाई देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है भाई। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। मध्य प्रदेश के संपत राजगढ़ में जिला सहकारी मर्यादित बैंक राजगढ़ जागरूक अभियान जिला राजगढ़ तहसील खिलचीपुर ग्राम धामन्या जोगी के गांव में आज जिला सहकारी बैंक मर्यादित शाखा संस्था द्वारा जिले में चलाए जा रहे जागरूक अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत अधिकारी द्वारा बताया गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को पिन ओटीपी पासवर्ड
सीसीबी और पासवर्ड किसी को अपनी गोपनीय चीजें शेयर ना करें और धोखाधड़ी से बचें। किसी भी अनाधिकृत लिंक का प्रयोग ना करें। अपनी गोपनीय चीजें अनजान व्यक्ति को साझा ना करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और शासन द्वारा चलाई जा रही योजना जिसमें प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के बारे में और खाता खोलना भी बताया गया है, बताकर लोगों को जागरूक किया है, जिन्होंने अपने भजन के माध्यम से लोगों को एक्टिव करने के लिए जानकारी दी है। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। सहारनपुर में गंगोह चोरों ने दिन दहाड़े ही गल्ला तोड़कर हजारों की चोरी कर ली। सुबह 4:45 पर सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोर ने चोरी को अंजाम दिया है। वीडियो फुटेज में चोर मुंह पर कपड़ा लपेटकर घटना को अंजाम दे रहा है। घटना का पता दुकानदार रितेश गर्ग को दुकान के ताले टूटे होने से चला। गल्ले से हजारों रुपए की चोरी किए गए हैं। गंगोह उद्योग व्यापार मंडल की युवा अध्यक्ष मनोज गोयल व भाजपा नेता शशांक गोयल ने पीड़ित दुकानदार के यहां जाकर घटना की जानकारी ली। मौके पर पुलिस भी घटना के बारे में जानकारी ले रही है। लगातार नगर में चोरियां हो रही हैं। पहले देवी मंदिर पर चोरी हुई, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। आज बीच बाजार में इतना दुर्साहस करने का चोरों का, जो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है। अगर पुलिस ने इस कार्य को सही अंजाम ना देकर अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो जल्द से जल्द पूरा व्यापार मंडल इसको आंदोलन के रूप में लेगा, सड़कों पे उतरेगा। अच्छा, चोरी जिनकी दुकान में चोरी, उनका नाम क्या है और जगह कहाँ पे है? ये हमारे साथी हैं, व्यापारी साथी, राजू भाई रितेश। ये मेन बाजार में है, जवाहर भड़भूजों के सामने मेन बाजार में। अच्छा, इससे पहले भी चोरी हुई है, उसके बारे में भी आप लोगों ने तहरीर लगातार कोतवाली को देते रहे हैं, उसके बारे में क्या आप तक कुछ खुलासे हो पाए? नहीं नहीं, कोई खुलासा नहीं हुआ, नहीं कोई चोर पकड़ा गया आज तो। बल्कि सारी की सारी वारदात आज सीसीटीवी फुटेज में है। अगर इसको नहीं खोलते हैं तो हम इसके उच्च अधिकारियों से जाएंगे, सब पे संपर्क करेंगे, जो भी हो सके करेंगे। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस सर्विस लांस टीम को मिली बड़ी सफलता। खोए हुए 65 मोबाइल फोन व एक टैब को बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 7,10,000 रुपए है। आपको बताते चले, जनपद में लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन को बरामदगी के जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने एक टीम बना रखी है, जो लगातार जनपद में खोए हुए मोबाइल फोन को सर्विस लांस के जरिए खोजने में लगी रहती है। वहीं वर्तमान में जनपद में विभिन्न स्थानों पर गुम हुए मोबाइल फोन की गुमशुदगी संबंधित थाने व पुलिस कार्यालय पर उपभोक्ताओं के द्वारा की गई थी, जिसको लेकर सर्विस लांस टीम लगी थी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इन खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
दी जानकारी। साथ ही इन फोनों को पुनः उनके असली उपभोक्ताओं को पुलिस अधीक्षक ने वितरण किया। मोबाइल फोन पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मोबाइल धारकों ने बताया कि हम लोगों को विश्वास नहीं था कि हमारा खोया फोन हमें फिर से मिल जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ मोबाइल धारक पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। इससे पूर्व में जनपद की सर्विस लांस शेल टीम ने 1048 अदद खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर टीम द्वारा मोबाइल धारकों वापस किया जा चुका है। सिद्धार्थनगर सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज 65 मोबाइल और एक टैब बरामद कर जो खोए हुए थे उनके ओरिजिनल मालिकों को सुपुर्द किया है। ये इसकी जो बरामद किए गए मोबाइल और टैब है इसकी बाजार में कुल कीमत लगभग 7,10,000 होगी। इस वर्ष अब तक कुल 346 मोबाइल्स खोए हुए बरामद करके उनके ओरिजिनल मालिकों को प्रोवाइड किया गया। ये हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल परमा जी।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।